अब आ जाते हैं रिकवरेबिलिटी, ठीक है। रिकवरेबिलिटी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिकवरेबल शेड्यूल, ठीक है। तो अब रिकवरेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि so far we have studied schedules that are accepted from the viewpoint of the consistency of the database। मतलब अभी तक मैं ऐसे शेड्यूल को मैं चेक कर रहा था जो मेरे कंसिस्टेंसी प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी प्रिजर्व कौन कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी प्रिजर्व कर रहे हैं आपके सीरियल शेड्यूल्स, ये T1 और सॉरी S1, S2 एंड S3, ये दोनों मेरे क्या हैं? सीरियल शेड्यूल हैं। तो ये दोनों सीरियल शेड्यूल मेरे क्या हो रहे थे? कंसिस्टेंसी प्रिजर्व कर रहे थे, ठीक है। कॉन्करेंट शेड्यूल हम देख रहे थे, तो कॉन्करेंट शेड्यूल में और मे नॉट प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। तो वो भी हमने देखा था कि ये जो पर्टिकुलर शेड्यूल था ये कंसिस्टेंसी प्रिजर्व कर रहा था, जबकि ये जो शेड्यूल था ये मैंने कंसिस्टेंसी प्रिजर्व नहीं कर रहा था, क्लियर है। उसके बाद हमने देखा सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल मतलब ऐसे पर्टिकुलर कॉन्करेंट शेड्यूल जिसको मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ किसी सीरियल शेड्यूल में, तो वो हो जाएगा मेरा सीरियलाइजेबल शेड्यूल, जिसमें हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल एंड व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल और व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल मेरे कंसिस्टेंसी प्रिजर्व करेंगे। तो अभी तक मैंने जो भी शेड्यूल देखे मैंने अपना व्यू पॉइंट रखा कि मेरा कंसिस्टेंसी जो है वो प्रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? वी नाउ एड्रेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फेलियर्स ड्यूरिंग कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि ट्रांजैक्शन अगर कोई फेलियर हो जा रहा है किसी शेड्यूल में, तो मुझे उस पर्टिकुलर शेड्यूल को रिकवर करने का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि कैसे मैं उसको रिकवर करूंगा, कौन से मेरे रिकवरेबल होंगे, कौन से मेरे रिकवरेबल नहीं होंगे, ठीक है। सो इफ अ ट्रांजैक्शन TI फेल्ड फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है, अगर वो ट्रांजैक्शन मेरा फेल हो जाता है कोई ट्रांजैक्शन, सो वी नीड टू अंडू द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू इंश्योर द एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब पूरे चेंजेस हो जाने चाहिए या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे जो भी चेंजेस मैंने परफॉर्म किए उनको अंडू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अंडू करना पड़ेगा मतलब मुझे इसको पूरी की तरह रोल बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी उसने चेंजेस परफॉर्म किए मुझे उसको अंडू रिकवरी प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। तो अंडू के लिए मुझे कंप्लीटली ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन ए सिस्टम दैट अलाउज कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन it is necessary also to ensure that transaction tj that is dependent on transaction ti, ठीक है, is also aborted or rolled back, ठीक है। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन tj, अगर मेरा दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन ti है, एक ट्रांजेक्शन tj है, किसी पर्टिकुलर शेड्यूल में मेरे पास दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन ti एक ट्रांजेक्शन tj। अब ये ट्रांजेक्शन मेरा फेल हो रहा है और ये ट्रांजेक्शन अगर इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ने इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की कोई वैल्यू रीड की है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ट्रांजेक्शन को भी रोल बैक करना पड़ेगा, क्लियर है। सो टू अचीव दिस श्योरिटी वी नीड टू प्लेस सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स परमिटेड इन दिस सिस्टम। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा अपने कॉन्करेंसी कंट्रोल में कि कौन सा शेड्यूल मेरे जो है वो परमिट है और कौन से शेड्यूल मेरे परमिट नहीं है, जिनको मैं एग्जीक्यूट करने नहीं दे सकता। पहला देखते हैं हम रिकवरेबल शेड्यूल, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास एक शेड्यूल है S9, ठीक है। अब S9 में दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन T1 है, एक ट्रांजेक्शन T2 है, ठीक है। अब T1 ने पहले एग्जीक्यूट किया रीड, उसके बाद उसने एग्जीक्यूट किया राइट, मतलब ए की वैल्यू उसने कुछ रीड की, फिर ए की a माइनस समथिंग किया, a प्लस समथिंग उसने किया, ठीक है, इंटरनल कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद उसने उस पर्टिकुलर वैल्यू को उसने क्या कर दिया? राइट कर दिया, ठीक है। अब ये इसने जो वैल्यू राइट की है उसको ये ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है, ठीक है, रीड करके क्या कर रहा है? कमिट कर दे रहा है, ठीक है। कमिट करने के बाद वापस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, कंट्रोल मेरा वापस T1 में ट्रांसफर हो रहा है, उसने कुछ रीड की और उसके बाद ये कमिट हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन था, ठीक है। इस नॉर्मल एग्जीक्यूशन में सपोज कि ये पर्टिकुलर रीड मेरा परफॉर्म हो चुका है, ये मेरा राइट परफॉर्म हो चुका है, उसके बाद ये रीड परफॉर्म हो चुका है, उसके बाद ये कमिट परफॉर्म हो चुका है, उसके बाद इसने रीड परफॉर्म कर रहा था या इसने किया, उसके बाद मेरा फेलियर ऑकर हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन T1 during the execution of read of B of T1 मेरा फेलर ऑकर हो रहा है, फेलर हो रहा है तो मुझे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रोल बैक करना पड़ेगा। तो ये अभी तक कमिट नहीं हुआ था तो उसमें रोल बैक कर सकता हूं, ठीक है। अब T2 जो है वो T1 पे डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि इसने वैल्यू रीड की थी तो मुझे इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको रोल बैक कर सकता हूं क्या? मैं इसको रोल बैक एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मैं इसको रोल बैक नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा कमिट हो चुका है। क्लियर है? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। क्लियर है? अब इसको अगर मैं और अच्छे समझाऊं तो ये एक पर्टिकुलर अकाउंट है, अकाउंट ए, ठीक है। इसके दो यूजर हैं, ठीक है। एक सपोज राम है, एक सपोज श्याम है, ठीक है। एक जॉइंट अकाउंट है, उस जॉइंट अकाउंट के दो यूजर हैं, राम एंड श्याम। और इस ए में मेरे पास बैलेंस है सपोज 1000, ठीक है। तो पहले राम ने क्या किया, ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, उसने रीड किया 1000, उसके बाद उसने a = a - 1000 कर दिया, उसने राइट कर दिया a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब श्याम आ रहा है अपने एटीएम मशीन में और वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि मेरे पास बैलेंस कितना है, तो बैलेंस उसको मिलेगा 0। तो उसने देखा कि मेरे पास अकाउंट में बैलेंस बचा ही नहीं है तो मैं कुछ पैसे निकाल ही नहीं सकता, तो इसने क्या किया, चेक किया बैलेंस की 0 है, मैं पैसा नहीं निकाल सकता। ये क्या किया, कमिट करके चला गया, ठीक है, घर चला गया कि मेरे पास पैसे नहीं है। जबकि ये क्या कर रहा था, a = a - 1000 किया था और उसके बाद उसको b में ट्रांसफर करना था, तो इसने b की वैल्यू रीड की, सपोज b एक अलग यूजर है और b की वैल्यू सपोज 2000 है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये 2000 रीड करेगा और रीड करने के बाद मेरा क्या हो गया, फेलर ऑकर हो गया। फेलर ऑकर हुआ, यहाँ पर फेलर ऑकर हुआ तो ये पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को मैं रोल बैक करूंगा। रोल बैक करूंगा मतलब ये जो a की वैल्यू 0 थी इसको मैं वापस क्या कर दूंगा, 1000 कर दूंगा, ठीक है। 1000 कर दूंगा मतलब अब ये जो वैल्यू गलत रीड किया है कि इसने रीड की थी 0, ठीक है, इसको 1000 मिलना चाहिए था क्योंकि ये ट्रांजेक्शन तो मेरा हुआ ही नहीं, ठीक है। ये चाहे तो पैसा निकाल सकता था लेकिन ये तो कमिट करके चला गया कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं इसको रिकवर कर सकता हूं क्या? मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता। क्लियर है? सो दिस इज एन नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। क्लियर है? अब आ जाते हैं व्हाट इज एन रिकवरेबल शेड्यूल। सो अ रिकवरेबल शेड्यूल इज वन वेयर फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रांजेक्शंस Ti एंड Tj such that Tj reads a data item previously written by Ti, the commit operation of Ti appears before the commit operation of Tj. क्लियर है? सो अगर हम चेक करें कि ये मेरा रिकवरेबल है कि नहीं है, तो हम चेक कर रहे हैं कि फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रांजेक्शंस Ti एंड Tj, for every pair of transaction Ti and Tj, such that Tj reads a value of data item A, which was previously written by transaction Ti, then the commit operation of Ti must appear before the commit operation of Tj. मतलब ये कमिट जो है ये पहले होना चाहिए इसके, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसने रीड किया है, इसने राइट किया है, फिर ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मेरा क्या कर रहा है, ये रिटर्न वैल्यू को रीड कर रहा है, तो ये मेरा तब तक कमिट नहीं हो सकता जब तक कि ये कमिट ना हो जाए। पहले ये कमिट होगा उसके बाद ही मैं ये कमिट करूंगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रिकवरेबल शेड्यूल है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ इसने रीड किया, राइट किया, उसके बाद इस रिटर्न वैल्यू को इसने रीड किया है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, ये रीड कर रहा है, अगर यहाँ पे फेलर ऑकर हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दूंगा। नाउ सेंस T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू रीड किया है, ये इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन की वैल्यू रीड किया है, ये ट्रांजेक्शन मेरा रोल बैक हो गया है, तो मुझे इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम मैं इसको भी रोल बैक कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा कमिट नहीं हुआ है। क्लियर है? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकवरेबल शेड्यूल। सो S10 इज एन रिकवरेबल शेड्यूल क्योंकि मैं इसको रिकवर कर सकता हूं। अगर कहीं भी फेलर ऑकर हुआ तो मुझे T1 को भी रोल बैक करना पड़ेगा, T2 T1 पे डिपेंडेंट है तो मुझे T2 को भी रोल बैक करना पड़ेगा। क्लियर है. सो दिस इज एन रिकवरेबल शेड्यूल. नेक्स्ट आ जाते हैं कैस्केडलेस शेड्यूल. ठीक है, अब कैस्केडलेस शेड्यूल क्या बोलता है कि अगर मुझे रिकवरेबल शेड्यूल करना है, मुझे रिकवरेबल शेड्यूल बनाना है या मुझे रिकवरी देनी है अपने पर्टिकुलर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को, तो मेरा ये जो पर्टिकुलर कमिट ऑपरेशन है इस कमिट ऑपरेशन के पहले होना चाहिए. ठीक है, और अगर ये अनकमिटेड ट्रांजेक्शन था तो अगर यहाँ कहीं फेलियर ऑकर हो रहा है तो मुझे T1 को रोल बैक करना पड़ेगा. T2 T1 पे डिपेंडेंट है तो इसको भी रोल बैक करेंगे. ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर शेड्यूल को हम देखें तो अभी हम पहले T1 एग्जीक्यूट कर रहा है, ये रीड परफॉर्म कर रहा है, फिर राइट परफॉर्म कर रहा है, फिर ये जो वैल्यू राइट कर रहा है उसको ये रीड कर रहा है, फिर ये राइट परफॉर्म कर रहा है, फिर ये जो वैल्यू राइट कर रहा है उसको ये रीड कर रहा है, और फिर ये राइट परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, अब मुझे रिकवरेबल बनाना है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, जो ये राइट कर रहा है तो इसके कमिट से पहले इसका कमिट होना चाहिए. ये रीड कर रहा है, ये राइट कर रहा है, ये राइट करके दे रहा है उसको वैल्यू, ये रीड कर रहा है तो इसके कमिट से पहले ये कमिट होना चाहिए. ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ट्रांजेक्शन रिकवरेबल शेड्यूल है. ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा फेलियर ऑकर हुआ, मतलब T1 ने रीड और राइट परफॉर्म कर लिया था, अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही थी, मेरा फेलियर ऑकर हो गया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ T1 को क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा. T2 और T3 तो मेरा अभी तक सीन में आया ही नहीं है. ठीक है, वो तो अभी तक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है कुछ भी. ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ T1 को ही क्या करना है, मुझे सिर्फ T1 को ही क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा. अब अगर मैं ये दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर चुका हूं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, इसने फिर से रीड परफॉर्म किया, राइट परफॉर्म किया, दिस टाइम पे मेरा फेलियर ऑकर हो गया, तो मुझे किसको रोल बैक करना पड़ेगा, मुझे किसको रोल बैक करना पड़ेगा, या सिर्फ किसको रोल बैक करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ T2 को रोल बैक करना पड़ेगा. है ना, क्यों, क्योंकि T2 ही मेरा क्या है, ट्रांजेक्शन है जो मेरा फेल हुआ है, तो इसको मुझे रोल बैक करना पड़ेगा. ठीक है, T1 को मैं रोल बैक नहीं करूंगा. ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अभी इसको अगर मैं रिस्टार्ट करूंगा तो ये जो राइट किया है ये उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं फिर से रीड कर सकता हूं. ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ T2 को ही रोल बैक करना है और किसी को रोल बैक नहीं करना है. आप सपोज करते हैं कि इसने T1 में रीड राइट परफॉर्म हुआ, इसने भी रीड राइट परफॉर्म कर दिया, इसने भी रीड राइट परफॉर्म कर दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फेलियर ऑकर हुआ है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे सिर्फ और सिर्फ T3 को ही रोल बैक करना है और किसी को रोल बैक नहीं करना है. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिचुएशन कि इसने रीड राइट परफॉर्म कर दिया, इसने रीड राइट परफॉर्म कर दिया, इसने रीड राइट परफॉर्म कर दिया, T1 फेल हो गया यहाँ पर. ठीक है, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, ये कमिट परफॉर्म कर रहा था. ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे क्या हो गया, फेलियर ऑकर हो गया, तो मुझे T1 को क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ सिंस T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1. ठीक है, T2 T1 पे डिपेंडेंट था कि ये जो राइट कर रहा था वो ये रीड कर रहा था, तो मुझे इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा, रोल बैक कर सकता हूं क्योंकि ये मेरा कभी कमिट नहीं हुआ है. ठीक है, नाउ सिंस T3 इज डिपेंडेंट ऑन T2 कि ये जो वैल्यू राइट कर रहा है उसको ये रीड कर रहा है, तो मुझे इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा, मैं इसको रोल बैक कर सकता हूं क्योंकि ये मेरा कमिट नहीं हुआ है. ठीक है, सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज कैस्केडिंग रोलबैक. ठीक है, कैस्केडिंग रोलबैक कब आता है, कैस्केडिंग रोलबैक कब आता है, व्हेन वन ट्रांजैक्शन लीड्स टू रोलिंग बैक मेनी अदर ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग रोलबैक. मैं एक को रोलबैक कर रहा हूं, जो भी ट्रांजैक्शन उस पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, तो वो भी मेरे क्या हो जाएंगे, रोलबैक हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग रोलबैक. ठीक है, अब आ जाते हैं हम कैस्केडलेस शेड्यूल. So cascadeless schedule is one where cascading rollback cannot occur. ठीक है, cascadeless schedule means where cascading rollback cannot occur. मतलब cascading rollback मेरा condition नहीं आनी चाहिए. ठीक है, तो अगर cascading rollback नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब इस particular चीज में तो मेरा यहाँ failure हो रहा है, तो मैं इसको rollback कर रहा हूँ, इस पे dependent है तो ये भी rollback हो रहा है, ये भी मेरा rollback हो रहा है, मतलब ये मेरा cascadeless schedule नहीं है. क्लियर है, तो अब कैस्केडलेस शेड्यूल कौन सा होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. अ कैस्केडलेस शेड्यूल इज वन वेयर फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस Ti and Tj such that Tj reads a data item previously written by Ti, then the commit operation of Ti appears before the read operation of Tj. That means for every pair of transactions, अगर मैं T1 और T2 का pair देखूं तो ये मेरा Ti हो गया, ये मेरा Tj हो गया. For every pair of transactions Ti and Tj, if Tj reads a data item previously written by Ti, then the commit operation of Ti comes before the read operation of Tj. मतलब ये commit जो है इस read के पहले आना चाहिए, कुछ इस तरह. ठीक है, यहाँ देखिए ये read कर रहा है, जो value ये write कर रहा है, तो इस रीड के पहले ये कमिट हो जाना चाहिए. सिमिलरली ये भी रीड कर रहा है, जो ये राइट करके दे रहा है, तो इस रीड के पहले ये कमिट हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर शेड्यूल है, ये शेड्यूल मेरा कैस्केडलेस शेड्यूल है. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे फेलर ऑकर होता है तो मैं सिर्फ T1 को ही रोल बैक करूंगा, यहाँ फेलर ऑकर होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ T2 को ही रोल बैक करूंगा, यहाँ फेलर ऑकर होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ T3 को ही रोल बैक करूंगा. ठीक है, मेरा कहीं पे भी कैस्केडिंग रोलबैक कंडीशन नहीं आ रही है. क्लियर है? सो S12 इज एन कैस्केडलेस शेड्यूल बिकॉज कैस्केडिंग रोलबैक कैन नॉट ऑकर आफ्टर द फेलियर. कहीं पे भी फेलियर होता है तो मेरा कैस्केडिंग रोलबैक कंडीशन नहीं आ रही है. वेयर एज S11 इज नॉट अ कैस्केडलेस शेड्यूल. दिस शेड्यूल इज नॉट अ कैस्केडलेस शेड्यूल बिकॉज कैस्केडिंग रोलबैक कंडीशन आ रही है. अगर मेरा यहाँ पे फेलियर ऑकर हो रहा है तो मतलब इस राइट के बाद, इस कमिट के पहले अगर मेरा फेलर ऑकर हो रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो मैं इसको भी रोल बैक करूंगा, इसको भी रोल बैक करूंगा, इसको भी रोल बैक करूंगा. क्लियर? अब आ गए थे हम लोग शेड्यूल्स में. तो शेड्यूल की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, शेड्यूल हमने पढ़ा था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन ए शेड्यूल. इसमें हमने पहला पढ़ा था सीरियल शेड्यूल. तो सीरियल शेड्यूल में हमने जो लिखा है लास्ट के 2 पॉइंट्स, क्या लिखे हैं कि सीरियल शेड्यूल्स आर ऑलवेज रिकवरेबल शेड्यूल्स. ठीक है, तो ये शेड्यूल मेरा रिकवरेबल है. क्यों? क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे फेलर ऑकर होता है, कहाँ पर, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन T1 मेरा अगर कहीं फेलर ऑकर हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी को मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, रोल बैक कर रहा हूँ. ठीक है, ये अभी T2 तो मेरा स्टार्ट हुआ ही नहीं था. ठीक है, तो ये मेरा रोलबैक हो गया, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ये इस पे डिपेंडेंट तो है ही नहीं अब. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली रिकवर हो जाएगा. अगर मैं इसको करूं, यहाँ पे भी अगर इसमें कहीं पे भी फेलर ऑकर हो रहा है, तो अगर इसमें फेलर ऑकर हो रहा है तो मैं सिर्फ इसी को रोल बैक करूंगा. ठीक है, मैं इसको रोल बैक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. अगर इसमें फेलर ऑकर हो रहा है तो इसको भी मैं रोल बैक कर सकता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ T2 को ही रोल बैक करूंगा. ठीक है, तो मैं दोनों को सक्सेसफुली रिकवर कर सकता हूं. ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस रीड के पहले ही ये क्या हो जा रहा है, कमिट हो जा रहा है. ठीक है, सीरियल शेड्यूल मतलब पहले T1 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, जब ये टर्मिनेट हो रहा है तब मेरा T2 स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कमिट हो जा रहा है, उसके बाद ही मैं क्या कर रहा हूँ, T2 स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, सो सीरियल शेड्यूल्स आर कैस्केडलेस शेड्यूल्स आल्सो, क्योंकि कैस्केडिंग रोलबैक नहीं आ सकती इसमें, इसके रीड के पहले ही ये क्या कर रहा है, कमिट कर जा रहा है. ठीक है, तो सीरियल शेड्यूल्स आर कैस्केडलेस शेड्यूल्स एज वेल एज रिकवरेबल शेड्यूल्स. वेयर एज कॉन्करेंट शेड्यूल में हम देखें तो ये कुछ मेरे कॉन्करेंट शेड्यूल रिकवरेबल हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर कंडीशन देख ली थी. ये जो मेरा कॉन्करेंट शेड्यूल था, ये मेरा क्या था, रिकवर नहीं कर पा रहा है. ये कॉन्करेंट शेड्यूल मेरा रिकवरेबल नहीं है. ठीक है, जबकि ये कॉन्करेंट शेड्यूल मेरा रिकवरेबल है. क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कमिट से पहले ही मेरा क्या हो जा रहा है, ये कमिट हो रहा है. ठीक है, मतलब जब तक ये कमिट नहीं हो रहा है, ये कमिट नहीं कर रहा है, तो कॉन्करेंट शेड्यूल जो है वो रिकवरेबल हो भी सकते हैं, कॉन्करेंट शेड्यूल रिकवरेबल नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, जबकि सीरियलाइजेबल शेड्यूल अगर हम जाएं तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल में भी हमने वही लिखा है. ये देखिए, इट मे और मे नॉट बी रिकवरेबल शेड्यूल क्योंकि वो कॉन्करेंट शेड्यूल है, एंड इट मे और मे नॉट बी अ कैस्केडलेस शेड्यूल. ठीक है, क्योंकि वो भी मेरे कॉन्करेंट शेड्यूल हैं। क्लियर है? और यहां पर एक लाइन और लिखी है मैंने, नहीं लिखी है क्या? नहीं लिखी है, तो एक लाइन आप लोग लिख लेंगे इसमें, एक लाइन यहाँ पे ऐड कर लेंगे कि एवरी कैस्केडलेस शेड्यूल इज ऑल्सो अ रिकवरेबल शेड्यूल। ठीक है, सो एवरी कैस्केडलेस शेड्यूल इज अ रिकवरेबल शेड्यूल बट एवरी रिकवरेबल शेड्यूल मे और मे नॉट बी कैस्केडलेस शेड्यूल, क्योंकि रिकवरेबल शेड्यूल में कैस्केडिंग रोलबैक आ सकता है, लेकिन अगर कैस्केडलेस शेड्यूल है तो वो मेरा रिकवरेबल शेड्यूल होगा ही। अगर हम देखें जो कंडीशन थी हमारी कैस्केडलेस शेड्यूल की, कंडीशन क्या थी कि अगर कोई राइट कर रहा है, अगर कोई रीड कर रहा है जिसको दूसरा ट्रांजेक्शन राइट करके दे रहा है, तो इस रीड के पहले ये कमिट हो जाना चाहिए, तो ये मेरा कैस्केडलेस शेड्यूल आएगा। ठीक है, रिकवरेबल शेड्यूल के लिए कंडीशन क्या थी कि ये पर्टिकुलर रीड कर रहा है जो ये राइट करके दे रहा है, तो इसके कमिट से पहले ये कमिट हो जाना चाहिए, तो कमिट तो हो ही रहा है इसके पहले, इसके कमिट से क्या है, इसके रीड से पहले ये कमिट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये रिकवरेबल तो है ही है मेरा। ठीक है, सो दिस शेड्यूल इज एन कैस्केडलेस शेड्यूल एज वेल एज रिकवरेबल शेड्यूल, वेयर एज दिस शेड्यूल, ये जो शेड्यूल है मेरा S10 मेरा रिकवरेबल शेड्यूल तो है ना, क्यों? क्योंकि अगर ये रीड परफॉर्म कर रहा है जो ये राइट करके दे रहा है, तो इसके कमिट से पहले ये कमिट हो रहा है, तो ये मेरा रिकवरेबल तो है बट ये कैस्केडलेस शेड्यूल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ फेलियर ऑकर हो रहा है तो मैं इसको रोल बैक करूंगा, और T2 जो है वो T1 पे डिपेंडेंट है, तो ये भी मेरा रोल बैक होगा, तो ये मेरा क्या है, कैस्केडलेस शेड्यूल नहीं है। वैसे भी हम देखें कि ये रीड कर रहा है जो ये वैल्यू राइट करके दे रहा है, तो इस रीड के पहले ये कमिट होना चाहिए, ये कमिट मेरा बाद में लिखा हुआ है, ये कैस्केडलेस शेड्यूल मेरा नहीं है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट?